शहीदों की याद में रोशनी से नहाया गोरखनाथ मंदिर। सीएम योगी ने जलाया पहला दिया, शहीदों के चित्र पर किया पुष्पार्चन। गोरखनाथ मंदिर में आयोजित हुआ एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम। देशभक्ति परक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने किया जोश का संचार। दीपावली के अगले दिन सोमवार को शहीदों की याद में गोरखनाथ मंदिर रोशनी से नहा उठा। यूं लगा मानो दीपकों की लौ देश के लिए प्राणों को न्योछावर कर देने वाले बलिदानियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रही हो। मंदिर के भीम सरोवर क्षेत्र में पहले दीपक को मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने प्रज्वलित किया और इसके बाद मुक्ताकाशी मंच पर शहीदों के चित्र पर पुष्पार्चन कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। अवसर था सोमवार देर शाम गोरखनाथ मंदिर परिसर में एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा भीम सरोवर के समीप दीप जलाकर और मुक्ताकाशी मंच पर शहीदों के चित्र पर पुष्पार्चन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किए जाने के साथ ही मंदिर परिसर 11,000 दीपों की आभा से जगमग हो उठा। भोजपुरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया भाई की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम में प्रज्वलित दीयों की जगमग अलौकिक लग रही थी। मंदिर परिसर के मुक्ताकाशी मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री के समक्ष देशभक्ति और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर केंद्रित गीतों नृत्य की प्रस्तुतियों ने जोश का संचार कर दिया। इन प्रस्तुतियों पर सीएम योगी बेहद भावुक नजर आए और कलाकारों का उत्साहवर्धन भी किया। उन्होंने फरूबाही बिरहा जैसी प्रस्तुतियों को भी अपने भावों की अभिव्यक्ति से खूब सराहा। इस दौरान कार्यक्रम संयोजक एवं भोजपुरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष लोक गायक राकेश श्रीवास्तव और डॉक्टर रूप कुमार बैनर्जी ने मुख्यमंत्री को टेराकोटा मिट्टी शिल्प की प्रतिमा भेंट की। निष्पक्ष टुडे ब्यूरो रिपोर्ट। Thank you.